हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जड़ी शापकड़ा में। तो दोस्तों यहाँ पर ये धनिया का खेत है, उसमें अभी एक जो श्री गणेश का थ्रेसर है जोधपुर का, वो चल रहा है। तो उसका आज रिजल्ट दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक घंटे के आसपास ये जो थ्रेसर है वो चल रहा है, और अभी एक घंटे या डेढ़ घंटे के आसपास चलेगा ये पूरे खेत में। तो दोस्तों मैंने सुना है कि जो ये श्री गणेश का जो थ्रेसर है वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जीरे है और जो धनिया है, राय है, सौंफ है, उसमें सूप में। तो आज हम उसी को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर ये न्यू हॉलैंड का जो 3702 मॉडल जो ट्रैक्टर है वो चल रहा है उसमें। तो दोस्तों ये थोड़ा अभी गीला है, लेकिन जो उसका रिजल्ट है बहुत अच्छा है, और ट्रैक्टर पर लोड भी बहुत कम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो ये भूसा है और बाहर फेंक रहा है, और ये जो यहाँ से वर्म है उसके बाद जो ये बचा हुआ भूसा, ये साफ धनिया हो, वो उस तरफ निकलता है, और यहाँ से ये जो ये वर्म में होकर सीधे वापस जहाँ पर ये धनिया डालते हैं वहाँ पर चला जाता है। तो इसी तरह से उसमें आप जितनी हवा रख सकते हो उतनी आप उसमें रखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी माल बचा हुआ है वो वापस चला जाएगा, और जो कांधो बोलते हैं उसकी दिक्कत उसमें नहीं है। तो मेन फ़ायदा मेन यही है कि जो भी बचा हुआ कचरा है वो फिर वापस वो ड्रम आता है पीछे वाला, उसमें चला जाता है, तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो इस साल ही ये थ्रेसर नया आया है हमारे गांव में, श्री गणेश थ्रेसर है। तो दोस्तों इस थ्रेसर की बात करें तो इस थ्रेसर में जो सेटिंग है वो सब बहुत आसान है करने में, क्योंकि उसमें जो ये आगे वाली पिन जो तीन बेल्ट आती है वही चेंज करनी है, और यहाँ पर ये 11 के रेस पर जो ये ट्रैक्टर है वो चल रहा है RPM पर, तो RPM भी सही है, और जो धनिया निकालने की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ जो धनिया एलिवेटर के माध्यम से निकलता है, और जो ये साइड में ढेर उसका लग जाता है, थोड़ी थोड़ी देर में ये जो उसके जाली आती है उसको साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि गीला है इसके कारण जो इसके जाली है वो उसमें घुसा फंस जाता है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, जो उसके टुकड़े हैं वो भी बहुत कम हो रहे हैं, और ये हो रहे हैं वो भी गीले होने के कारण, जो धनिया है वो बहुत ज़्यादा गीला है उसके कारण, धुम्मस आने के कारण। जो ये अभी 11 या 12 बजे के आसपास ये जो है वो उसको चालू किया था ट्रैक्टर को, वो जो गीला है धनिया उसके कारण उसके जो धनिया का जो दो टुकड़े हो जाते हैं वो इसी कारण होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ये आगे वाले में से जो पीछे वाले बेल्ट में लगाया है, बस इतना ही सेटिंग करना है और पूरे थ्रेसर में धनिया का सेटिंग हो जाता है। लेकिन और थ्रेसर की बात करें तो उसमें तो आपको 3 या 4 जगहों पर बेल्ट है वो चेंज करना पड़ता है, और जो उसकी जाली की बात करें तो जाली भी उसमें 2 ही आपको चेंज करनी है, एक ये नीचे वाली और एक ये जो हम यहाँ पर धनिया आता है उसमें जो जाली लगती है 6 नंबर की, वो ही चेंज करनी है, और एक कोई भी आपको जाली भी चेंज करनी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप एक पाक में से दूसरे पाक में अगर इस थ्रेसर को चलाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें आप मान के चलो कि 15 या आधे घंटे में उसको आप रेडी कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो उसकी कटर है वो भी चेंज करना बहुत आसान है। तो दोस्तों यहाँ पर ये गीले होने के कारण कुछ जो भूसा है वो इकट्ठा हो रहा है, तो ये बीच वाली जाली है यही इसको ही चेंज करना है, वो धनिया में जो ऊपर वाली जाली है वो 9.5 की है उसको आपको चेंज नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये नीचे है वो जो बचा हुआ वो कचरा है वो यहाँ पर नीचे से रेत है वो सब यहाँ से निकल जाता है, और देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है धनिया का। तो यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है श्री गणेश का, अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है तो यहाँ पर इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो।
तो दोस्तों आपको यहाँ नीचे जो जाली है उसका भी रखने का स्टैंड मिल जाता है, और जो भी जाली है उसको और कटर भी है उसको भी रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर डालने भी बहुत आसानी रहती है धनिया, क्योंकि बहुत ये जो ड्रम है वो नीचा है, उसके कारण अगर आपको चारणे की चाल करनी है धीमी या भी ज़्यादा तो वो भी साइड से हो जाती है बेल्ट के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एक ही बंदे है वो भी काफ़ी रहता है उसमें धनिया डालने में। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि काफ़ी और जो है वो स्पीड से ले रहा है। तो दोस्तों ये हमारे जो यहाँ पर एरिया है उसमें अभी ये नया ही थ्रेसर आया है, और कोई थ्रेसर नहीं था पहले, तो उसको अभी इस साल ही लाया गया है। तो ये पहली बार धनिया में चला रहे हैं, उससे पहले राई में उसको चलाया था। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, और ड्रम से वो सीधा जो भी बचा हुआ कचरा है वो यहाँ आ जाता है, और बाद में कटर उसमें होकर साफ होकर बाद में वो एलिवेटर में चला जाता है ढेर में। तो दोस्तों इसी के कारण उसमें जो आप कांधा बोलते हैं वो ना के बराबर इसमें निकलता है। तो मेन फ़ायदा यही है, और लोगों को भी बचत है, दो या एक लोग हो तो भी ये थ्रेसर है आराम से चलता है। आप यह देख सकते हो कि कितना जो ये माल हो खींच रहा है एक साथ। अगर आप ये माल खींचने की जो भी स्पीड कम या ज़्यादा करनी है तो वो यहाँ पर जो पुली है उसके आपको बेल्ट चेंज करके उसकी जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो पुली है उसके अगर आप बेल्ट चेंज करोगे तो जो भी जो स्पीड है वो खींचने की धनिया की वो सब माल की, तो वो स्पीड को आप चेंज यहाँ से कर सकते हो। तो दोस्तों इसकी जो थियरी है वो भी काफ़ी आसान है। अगर आपको थ्रेसर लेना है तो आप उसके कांटेक्ट कर सकते हो श्री गणेश थ्रेसर को, जोधपुर में है, जो राजस्थान में पड़ता है। तो देख दोस्तों आज हमने यहाँ पर देखा कि धनिया का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी अगर प्रश्न है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। अगर और कोई जो भी पाक है उसमें अगर इस थ्रेसर का वीडियो चाहिए तो हमें बताना, तो हम आपको ज़रूर इस चैनल पर इस वीडियो को उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों।